Hello everyone, we were talking about bacterial disease in human. We have discussed tuberculosis in previous video. Now we will be studying about the other three bacterial disease, that is diphtheria, pertussis and tetanus. We will study together about them. First, diphtheria. Causal agent is Corynebacterium diphtheri. Name से ही पता लग रहा है ये क्या है, bacterial. ये डिजीज़ कैसी है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है. अब बैक्टीरिया एंटर करता है जब बॉडी में तो वो 2 to 5 days के अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, 2 to 5 days मल्टीप्लिकेशन करता है. उस पीरियड को कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड. कोई भी पैथोजन जब ह्यूमन बॉडी में यानी होस्ट में जाके मल्टीप्लिकेशन करें दैट इज़ कॉल्ड इनक्यूबेशन पीरियड. तो डिप्थीरिया का जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 6 days है, यानी आफ्टर 2 to 6 days इसके सिम्टम्स अपीयर होंगे. अफेक्ट किस पार्ट को करता है, नोज से फिर थ्रोट एंड टॉन्सिल. डिप्थीरिया किस किस को अफेक्ट करेगा, नोज थ्रोट एंड टॉन्सिल. इसका क्या मतलब है कि म्यूकस बनेगा और म्यूकस होने से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ये फील होगी. तो सिम्टम्स क्या है, कफिंग होना, स्नीजिंग होना और मेनली पैचेस होना. टॉन्सिल इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, टॉन्सिल अफेक्ट हो रहा है तो फूड स्वेलोइंग में भी प्रॉब्लम आती है. एंड और क्या होता है कि बच्चे को पेन होता है. ये किस में होता है, जो चिल्ड्रन बिलो द एज 5 हैं उनमें ये ज़्यादा होता है. और ये जब थोड़ा सा यानी टेम्परेचर है वो लो होता है, रेनी सीजन और विंटर स्टार्ट होने पर ये डिजीज़ ज़्यादा देखते हैं. प्रिवेंशन क्या है डिप्थीरिया का, देखिए अगर प्रिवेंशन देखें तो DPT वैक्सीन जो है वो चिल्ड्रन में एंड वो जो उनके वैक्सीनेशन टाइम पर एडमिनिस्ट्रेट होनी चाहिए. एज क्या है, जैसे 2 months, 4 months, 6 months, इस तरह से 4 doses की जो वैक्सीन है वो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन कराना चाहिए DPT वैक्सीन का. यहाँ पे DPT का क्या मीनिंग है, देखिए डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टोसिस एंड टी से टिटनेस, यानी ये तीनों ही डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए ये एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, इसलिए हम तीनों को हम साथ स्टडी कर रहे हैं. नेक्स्ट डिजीज इज पर्टोसिस. पर्टोसिस कॉजल ऑर्गेनिज्म और पर्टोसिस इज बॉर्डेटेला पर्टोसिस. इसमें भी क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही अफेक्ट होता है. अब यहाँ पर देखिए कफिंग और स्नीजिंग यहाँ भी हो रही थी, मेनली यहाँ पे क्या था, टॉन्सिल में पैचेस हो गए थे. दोनों में ही कफिंग और जो दोनों में कफिंग होती है, बट यहाँ पर क्या है कि म्यूकस कफ होगा और पर्टोसिस में ड्राई कफ है, यानी म्यूकस नहीं बनेगा उस कफ में, ड्राई कफ होता है. और इतना सीवियर कफिंग होती है कि जो जब ब्रीथिंग होती है तो वॉइस आती है हप हप, यानी इस तरह से जैसे शॉर्ट ब्रीथ हो रही है, वो साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से पर्टोसिस को हूपिंग कफ भी कहते हैं. दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हूपिंग कफ. तो कफ से ही पता लग जाएगा कि ये किससे अफेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और वॉइस ब्रीथिंग में कैसी आती है, हफ हफ. सिम्टम्स पहले तो सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं, लेकिन जब अपीयर होंगे यानी अर्ली सिम्टम्स तो है नहीं, इंटेंस कोल्ड होना, फीवर होना, ड्राई कफ होना. और ये कब तक होगा, ये जो कफ है वो 100 days तक भी हो तो इट लीड्स टू निमोनिया एंड फिर क्या हो जाएगा, TB. यानी इससे ये क्या होता है कि अगर कंटिन्यूसली कफ होता है तो फिर निमोनिया या TB होने के भी चांस हो जाते हैं. ठीक है, तो पर्टोसिस जो है बॉर्डेटेला पर्टोसिस से होता है. ये जो दोनों ही हम देखेंगे डिजीज़, ये क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड है पर्सन, उसके टॉयज़, उसके क्लोथ्स, उसके हम कहेंगे कि जितने भी जो पर्सनल उसकी जो थिंग्स हैं जैसे पेंसिल, पैंस, ये नोटबुक, इनसे भी अगर टच करेंगे, मतलब अगर उन पे भी कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा और हेल्दी पर्सन उस कॉन्टैक्ट में आता है तो उन्हें ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है. प्रिवेंशन देखें तो DPT वैक्सीन. दोनों ही डिजीज़ में जो अफेक्टेड पर्सन होगा
ही शुड बी केप्ट इन आइसोलेशन, उसके क्लोथ्स, उसके यूटेंसिल्स जो हैं वो अलग ही होने चाहिए और कोई भी हेल्दी पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, क्योंकि स्नीजिंग से क्या होगा, कफिंग से वो पार्टिकल एयर में जाएंगे और हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से ही और शी में भी अफेक्टेड। थर्ड डिजीज इज टिटनेस। टिटनेस जो आपने कई बार सुना होगा कि कई बार अगर सड़क पर अगर आप रोड पर गिर जाते हैं या फिर किसी आयरन से लग जाती है तो क्या होता है, ये जो सॉइल में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो सॉइल में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होने से अगर जो स्किन में कोई बूंद या कट लग गया है तो बैक्टीरिया सॉइल से किस में जा सकता है, उस पर्सन की बॉडी में जा सकता है। वो कौन सा बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जाकर ये जॉज को फ्रैक्चर कर देता है, जो जॉज फ्रैक्चर हो जाएंगे यानी जॉज मूव नहीं करेंगे तो फूड भी नहीं रहेगा, यानी क्रैम्प्स इसमें आ गए जॉज में, थ्रॉट भी अफेक्टेड हो गया, तो जैसे जॉज लॉक होने से सफोकेशन से भी पर्सन की डेथ हो सकती है कि उसे इनहेल करने में भी प्रॉब्लम है। अब ये डिजीज़ जो है इससे अब डेथ नहीं होती है, पहले इसकी जब वैक्सीन नहीं थी तो डेथ भी हो जाती थी, इसमें हमने वैक्सीन में भी पढ़ा है, इसमें टिटनेस में एक टॉक्सिन जो बनता है उससे भी एज ए वैक्सीन यूज़ करते हैं, टिटनेस टॉक्सॉइड जो है उसे वैक्सीन में यूज़ करते हैं। कौन सी वैक्सीन है, DPT। सिम्टम्स, क्रेम्प्स इन जॉज, हेडेक, ये तो मार्क कब है, इनिशियली कि इस डिजीज़ को जो कैसे मार्क कर सकते हैं, करेक्टराइज बाय हेडेक एंड क्रैम्प्स इन जॉ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड स्वेलोइंग फूड। तो इसमें क्या है कि एक टिटनेस का अगर इंजेक्शन भी लगवा ले, यानी अगर जो एंटीबॉडी अगर डायरेक्ट चली जाए तो भी इससे क्या होता है, क्योर हो सकती है ये डिजीज़ विदिन 24 आवर्स। बट अब इससे डेथ नहीं होती है, इससे अभी तक एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट जो मदर्स होती हैं उनको उस टाइम पर भी लगता है, और इसका DPT का वैक्सीन भी छोटे बच्चों को देते हैं, प्लस अगर तब भी ये वर्क नहीं कर रहा तो कोई अगर इंजरी लग जाए, कट लग जाए, रोड पर अगर आपका एक्सीडेंट आ जाए, सॉइल के कॉन्टैक्ट में आए हो, तो टिटनेस का जो इंजेक्शन है उससे भी ये बच सकते हैं टिटनेस होने से। तो टिटनेस के लिए भी कौन सी वैक्सीन है, DPT। तो यहाँ पे डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, आपको ये तो पॉइंट्स याद ही रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछते हैं डायरेक्ट, या तो कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछते हैं, अफेक्टेड ऑर्गन, सिम्टम एंड प्रिवेंशन। प्रिकॉशंस तो यही है कि जो अफेक्टेड पर्सन है उसे आइसोलेट में रखा जाए, उनके बिलोंगिंग्स को भी अलग रखा जाए, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी तक हमने 4 बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली हैं। फर्स्ट वाज ट्यूबरकुलोसिस, अब है डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।